डियर फ्रेंड्स दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग सी एन आर आई अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कह रहे कि द प्राइमरी अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन बाई तो देखिए आपको एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि यहां पर दिया हुआ ऑप्शन है कि पहला दिया लेबर मैन नाइट्रोसो रिएक्शन सेकेंड दिया कार्बे अमीन रिएक्शन थर्ड दिया ग्रीगनार्ड रिएक्शन और फोर्थ दिया है एक्शन ऑफ सोडियम ऑन देम देखिए आपको करना है क्या है कि वन डिग्री को डिफ्रेंश करना है टू डिग्री से एंड थ्री डिग्री से इसका मतलब ये हो गया कि वो रिएक्शन जो कि वन डिग्री देता हो और टू डिग्री थ्री डिग्री ना देते हो या फिर टू थ्री डिग्री देते हो और वन डिग्री ना देता हो तो इस तरह का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक ही है वो है क्या कार्बलामीन रिएक्शन कार्बेमीन रिएक्शन में आप क्या करते हो कि जो प्राइमरी अमीन होता है उससे आप आइसोसाइनाइड बना लेते हो और आइसोसाइनाइड बनाने के लिए कंडीशन ये होती है कि इसके पास में दो हाइड्रोजन एसिडिक होने चाहिए ठीक है ना तो उस केस में यहाँ पर और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ आप देखोगे वन डिग्री अमीन में होगी अगर आप टू डिग्री अमीन की बात करोगे तो वो आर टू एन एच यानी कि एक हाइड्रोजन होगा और थ्री डिग्री अमीन की बात करोगे तो आर थ्री एन यानी कि कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो बात हमको समझ में आती है देखिए डिस्टिंग्विश की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि कुछ इस तरह का आइडेंटिफिकेशन मिलना मिलना चाहिए जो दिखे या महसूस हो यानी कि इसमें इस स्मेल आती है आपको याद आ रहा है कि आइसोसाइनाइड होते हैं वो बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं और ये तुरंत जो है बदबू छोड़ने लगते हैं तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में वन डिग्री अमीन लेते हैं और दूसरे में टू डिग्री या फिर थ्री डिग्री देते हैं तो टू और थ्री डिग्री ये रिएक्शन नहीं देंगे और वन डिग्री ये रिएक्शन देगा यानी आंसर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कह रहा है कि फॉर्मेलिटी व्हेन ट्रीटेड विद के मेथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट द रिएक्शन इज नोन एज देखिए आपसे कह रहा है कि फॉर्मेलिटी की रिएक्शन आपने करी क्यू एच के साथ में तो फॉर्मेलिटी आपके पास क्या है एस सी एच ओ है और इसकी रिएक्शन आपने करी किसके साथ में क्यू एच के साथ और क्यू एच के साथ रिएक्शन करने पर आपको मेथेनॉल यानी एल्कोहल मिला प्लस पोटेशियम फॉर्मेट मिला यानी कि एस सी ओ के मिल रहा है तो आप एक बात ये देखो कि ये आपके पास एल है और एल का रिडक्शन हो के बन गया क्या एल्कोहल और एल का ऑक्सीडेशन होकर बन गया क्या एसिड ठीक है ना तो किसी भी एल की अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है तो वो रिएक्शन आपको याद आ रही है कैनजारो रिएक्शन होती है और वहाँ कंडीशन ये भी है कि एल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसके पास में अगर आप फॉर्मेल्टी की बात करो तो फॉर्मेलिटी के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ठीक है ना ये फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कहते हैं बट यहाँ पर कोई कार्बन ही नहीं है तो जब अल्फ़ा कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो इसका मतलब है क्या कि कैनजारो रिएक्शन होगा अब आइए हम इसके चार ऑप्शन को देख लेते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है परकिन रिएक्शन दूसरा कैनजारो रिएक्शन तीसरा वेटिज रिएक्शन और चौथा आपको दिया है रीमर टीमन रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन बी जो जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर कैनजारो रिएक्शन जो होगा वो आंसर होगा